बलरामपुर में पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना का किया उद्घाटन। कहा पिछली सरकारों की गलतियों से लटकी थी परियोजना। प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए साधा निशाना। मेरठ में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं ये पार्टियां। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बड़ा बयान। कहा ज्यादा खतरनाक नहीं है ओमिक्रॉन, चिंता करने की नहीं है बात, सतर्क रहने की जरूरत। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। फैक्ट्री से 11 तमंचे, 12 नाल और 6 कारतूस बरामद। पुलिस ने 7 लोग किए गिरफ्तार। लोनी में मिले शव को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। पेरोल पर छूटे शख्स ने पत्नी के साथ मिलकर की थी मजदूर की हत्या। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। क्रांति की धरती मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मेरठ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीति में परिवारवाद ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। जेपी नड्डा ने वैक्सीनेशन के जरिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बिना नाम लिए अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां एक नेता है जो कह रहे थे कि ये मोदी की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, इसे मत लगाना। आज मैं उनसे पूछता हूं कि कैसी लगी मोदी की वैक्सीन, जल्दी तुम्हारी लाल टोपी भी केसरिया होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का विस्तार समय के साथ बढ़ रहा है। जितनी लोग विपक्षी पार्टी की रैली में होते हैं उससे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में होते हैं। सब जगह पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां बन चुकी है और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ परिवारवाद की पार्टियां बन चुकी है। और तो और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, यह अभी परिवार की पार्टी हो गई है। या तो भैया जाएगा या बहन जी जाएगी, दीदी जाएगी और कोई नहीं जाएगी। बाकी सब ताली बजाओ। यूपी सरकार में वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री का कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा बयान सामने आया। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन एक माइल्ड वेरिएंट है, ओमिक्रॉन से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह बयान उन्होंने शाजापुर के मेडिकल कॉलेज में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद सहित मेडिकल कॉलेज स्टाफ की उपस्थिति में एसटीपी ईटीपी प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर किया। दरअसल सुरेश कुमार खन्ना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्वस्थाशी राज्य चिकित्सालय में एसटीपी ईटीपी प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने 723 लाख रुपए की लागत से बने 400 के एलडी की क्षमता वाले प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके पानी को रिसाइकल कर गार्डनिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हमने आपको मालूम है कि यहाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है और सीवर लाइन की शुरुआत हम पहले कर चुके हैं, एक साल पहले से। तो ये अपने आप में इस मेडिकल कॉलेज के लिए, ख़ास तौर से इस अस्पताल के लिए, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि जो 723 लाख की लागत से ये बहुत कम समय में इसको हमने मूर्त रूप दिया है और 400 KLD की इसकी क्षमता है और इसके पानी को रिसाइकिल किया जा सकता है। इसका पानी गार्डनिंग के लिए यूज़ हो सकता है। जो 723 लाख रुपए तो इसका प्रोजेक्ट कास्ट है और 20 लाख रुपए पर ईयर का इसका मेंटेनेंस भी है। आगरा के लाल शहीद पृथ्वी सिंह चौहान पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के 9 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे।
मुजफ्फरनगर मीरापुर कोतवाली पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर शिकंजा कसते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक अवैध फैक्ट्री घर के अंदर चलाई जा रही थी। हालांकि पुलिस ने सूचना मिलने के आधार पर कार्रवाई की और पुलिस जब घर पहुंची तो वो भी दंग रह गई। घर से पुलिस को 11 तमंचे, 12 नाल और 6 कारतूस बरामद हुए। फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक यहां से बने हथियार को 2500 से 4000 रुपए में बदमाशों को बेचा जाता था। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद हथियारों के खरीददारों की भी तलाशी शुरू कर दी है। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और इसी के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की। मौके से पुलिस ने फैक्ट्री में बने 20 नए और कुछ आधे बने हथियार बरामद किए और साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी 5 से 10 हजार रुपये में अवैध हथियार बेचता था। लोनी में कुछ दिन पहले मिले व्यक्ति के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पैरोल पर छूटे एक आरोपी ने जेल जाने से बचने के लिए अपनी ही कदकाठी के एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। दरअसल आरोपी अपनी बेटी की हत्या के आरोप में जेल गया था और पैरोल पर छूटा था। अब उसकी पैरोल खत्म हो रही थी, लिहाजा उसने बचने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने एक दिन अपने घर पर एक मजदूर को बुलाया और उसे अपने कपड़े दिए। अगले दिन उसने मजदूर के साथ शराब पी और फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर मजदूर की हत्या कर दी। दरअसल आरोपी शख्स खुद की मौत की खबर दिखाकर पुलिस से बचना चाहता था। हालांकि उसकी सच्चाई पुलिस ने पकड़ ली। पुलिस ने आरोपी को पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया। इसने अपनी बेटी का मर्डर 2018 में किया था, जो कि उस समय 13 वर्ष की थी। तो उस मर्डर में ये जेल में रहा काफ़ी समय और कोविड के समय में ये पैरोल पे बाहर था। पैरोल पे बाहर आने के बाद इसने इसकी पैरोल की अवधि ख़त्म होने वाली थी। इसके अलावा बहुत ही जल्दी इसका इसको ऐसा लग रहा था कि इसको सज़ा भी इसमें हो जाएगी। इस मामले में अपनी बेटी के तो इसने पत्नी के साथ मिलकर अपनी ये प्लानिंग की कि हम लोग इस तरह से करेंगे और किसी एक मजदूर को ये अपने घर पर एक दिन पहले लाया, कुछ काम करवाया, झांसा देके उसको लाया, फिर उसको इसने अपने कपड़े दिए और बोला कि अगले दिन ये पहन के आना। फिर घर पर इसको बुलाने के बाद उसके साथ इसने शराब पी और उसको बहुत ज़्यादा इसने शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में हो गया तो इसने और इसकी पत्नी ने चारपाई के पाए से कई वार करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसको मार दिया। फिर उसको ले जाके रात में उसका चेहरा वगैरह वहाँ पर उसका जला दिया ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए और सबको यही लगे कि इसने यही दिखाने की कोशिश की मुझे ही किसी ने मार के यहाँ पर डाल दिया। एक्सप्रेसवे पर हजारों करोड़ का टोल टैक्स देने के बावजूद जाम की समस्या दूर नहीं हो रही। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर फास्टैग होने के बावजूद भी लंबा जाम लग रहा है। इस जाम के कारण कारें कई कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। लोगों के मुताबिक टोल प्लाजा पर अब अक्सर जाम लगा रहता है, जिसके कारण रोजाना आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संबल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने आज बुलेट से सदर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान बकायदा हेलमेट लगाकर लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें। इसके अलावा दो पहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। वहीं उन्होंने बुलेट से थानों का निरीक्षण भी किया। आज औचक निरीक्षण के रूप में 2-3 थानों का निरीक्षण करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। इसमें विशेष रूप से बाइक पर हमारी और भी टीम है, पूरी टीम के साथ में हम लोग हैं। इसमें ये सबसे पहले मैसेज देना है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह जो अभी मनाया गया था, तो हम लोगों को हेलमेट सभी लोगों को लगाना चाहिए। अपनी गाड़ी में जो सुरक्षा की जो अन्य तरीके हैं उनका पूरा प्रयोग करना चाहिए। 4-व्हीलर पर हैं तो सीट बेल्ट बांधना चाहिए और सड़क के यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं, इसी के लिए हम लोग ये बाइक के उससे प्रयोग करते हैं।
सहारनपुर में रिश्वत मांगने के आरोप में नगर निगम के कर विभाग के राजस्व निरीक्षक जयवेंद्र सिंह को शासन ने निलंबित कर दिया। बता दें कि जयवेंद्र सिंह पर नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। पीड़ित की शिकायत पर नगर आयुक्त ने राजस्व निरीक्षक पर कार्रवाई के लिए शासन से निलंबन की संस्तुति की थी। साथ ही मामले की जांच के लिए शासन ने नगर निकाय निदेशालय के सहायक निदेशक लेखा उपेंद्र तिवारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया। नहीं नहीं, अब तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत है कि जो भी व्यक्ति जरा भी कोई गलती करेगा, किसी का शोषण करेगा, किसी को परेशान करेगा, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है और आवेदक ने अपनी शिकायत की थी और विद प्रूफ के साथ शिकायत की थी, उसमें ये दोषी पाए गए और सरकार ने इनको सस्पेंड किया है। गाजियाबाद के लोनी में दिल्ली सहारनपुर रोड पर वाईफाई कनेक्शन के तार खींच रहे युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। लोनी की कई जगहों पर इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। आपको बता दें कि अजय दिल्ली सहारनपुर रोड पर जवाहर नगर कॉलोनी के सामने 11,000 वोल्ट लाइन के बिजली के पोल पर इंटरनेट केबल डाला जा रहा था। जैसे ही 11,000 वोल्ट की लाइन पर केबल टच हुआ, उसी वक्त अजय को जोरदार झटका लगा, वो उसमें झुलस गया। घायल को तुरंत आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उसकी जान नहीं बच सकी। बस यहाँ आया काम करने के लिए। क्या काम करता है? केबल का। अच्छा, वाईफाई का। तो वाईफाई काम करने के लिए आया था, वो घर से लड़का लिवा के लाया था उसे आज। वैसे तो कभी लिवा के लाता नहीं, वो आज बुलाने के लिए आया था कि भैया काम करना है, अर्जेंट दिल्ली चलना है। वो जब वो यहाँ पर लाया तो बस दो ही थे, यहाँ बता रहे हैं लोग तीन से चार थे, ये पता नहीं मुझे, सिर्फ दो बंदे आए थे घर से। उस खम्भे उसने केबल लगा, वो जीना लगाया, जीना लगाने के बाद तार उस पर लगा रहा था और इतने में शॉर्ट लग गया उसे। कोतवाली कासगंज में एक 7 साल की बच्ची के साथ 40 साल के व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस को शिकायत मिली कि आरोपी बच्ची को पहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना कासगंज के बड्डू नगर एरिया जो पड़ता है, वहाँ पे एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जो अनुसूचना है पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसके फादर जो है इस अनुसूचना को लेके पुलिस के पास पुलिस स्टेशन में आए थे। त्वरित जो है वो मौका मुआयना इत्यादि किया गया, बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया और जो दी गई तहरीर है वो तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। टीमें बनाते हुए आरोपी जावेद, जिसकी उम्र लगभग 40 साल की है, उसको गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा गया। गाजियाबाद के थाना लोनी रोड बॉर्डर में देर रात करीब 2 बजे रेत से भरा ट्रक एक मकान पर पलट गया। हादसे के वक्त मकान में 6 मजदूर सो रहे थे, जो घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भद्रोलिया गांव के चौराहे पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बैलगाड़ी से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बाइक सवार शादी में जा रहे थे, हालांकि रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी पर सवार 2 लोग भी घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहां पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहां पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहां पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे, 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई, फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर, 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर, फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान, 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल, फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस, 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है, फर्क साफ है। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस यस, एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते सस्ते पीसी में भी चलाएं तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है, स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। टीम नंबर 2, बायोथीन। दिस एब्सोल्युटली नो पॉलीथीन, एनी एलिमेंट व्हिच इज नॉन डिग्रेडेबल नहीं है कुछ। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजिबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्युबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है ठीक, एग्जांपल ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस सर, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है तो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए हैं। तो आपने वही बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए, स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूल में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। खुद को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के वार्षिक खेल प्रतियोगिता में बुलंदशहर पुलिस अव्वल रहा। आपको बता दें बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली डिबाई सीओ वंदना शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता। आपको ये भी बता दें कि प्रतियोगिता में 8 जोन के सिविल पुलिस और पीएससी बल द्वारा हिस्सा लिया गया था। खास बात ये कि बुलंदशहर पुलिस की तरफ से सीओ
डिबाई वंदना शर्मा ने एक सिल्वर और एक गोल्ड मेडल जीता, जिससे बुलंदशहर पुलिस में खुशी का माहौल है। वहीं सीओ डिबाई वंदना शर्मा को एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने सम्मानित किया। ये नतीजा बहुत अच्छा रहा। ये इंटरजोनल बैडमिंटन प्रतियोगिता थी जिसमें मेरठ जोन ने काफ़ी लंबे समय के बाद शील्ड हम लोग मेरठ जोन में वापस लेकर आए हैं, और इसमें जो राजपत्रित अधिकारियों को जो प्रतियोगिता हुई है उसमें मेरा व्यक्तिगत सिल्वर मेडल है और मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। बहुत अच्छा लग रहा है पुलिस जैसे विभाग में फिर उसी विभाग में रिप्रेजेंट करना और इंटरजोनल मैच में खेलकर जीतना बहुत अपने आप में खुशी दे रहा है। और मैं अपने अधिकारियों को इसमें धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें मौका दिया कि हम जा पाए और उसमें प्रतिभाग कर पाए। सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नगर निगम द्वारा 32 जोड़ों की सामूहिक विवाह कराया गया। सहारनपुर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हर बार मुख्यमंत्री योजना के तहत शादियां करवाई जाती हैं, अब की बार फिर से 32 जोड़ों की शादी करवाई गई। इस दौरान सभी नव दंपतियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सभी को शपथ दिलाई गई कि स्वच्छता में भागीदारी करके सहारनपुर को नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि सभी को सरकार के द्वारा जो योजनाएँ चलाई गई हैं उनकी जानकारी दी गई है, वो जिस भी योजना में काम करना चाहते हैं उसमें अपना आवेदन करें, उनको सहयोग किया जाएगा। आज 32 जोड़ों का आज विवाह संपन्न हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है सामूहिक विवाह योजना, उसमें हम लोगों ने पूरे सम्मान के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। समाज के जो भी विशिष्ट लोग हैं वो लोग भी गिफ्ट लेकर के आए हैं, और इस अवसर पर हम लोगों ने जितने भी नए जोड़े हैं उन सबको स्वच्छता का भी संदेश दिया है और उनको शपथ दिलाई है कि हम स्वच्छता में भागीदार बनकर के सहारनपुर को नंबर 1 बनाएंगे। और उनसे मैंने अपील की है कि जो भी योजना है सरकार की। यूपी के मेरठ में भी बांदा के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 123 जोड़ों का विवाह कराया गया। बता दें कि मेरठ के रोटा रोड पर ब्लॉक क्षेत्र के सभी 2 लाख से कम इनकम वाले लोगों की मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन में शादी कराई गई। इस दौरान मौके पर वरिष्ठ लोगों ने सभी नव दंपतियों को उनके नव जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। योजना के अंतर्गत कुल 135 बच्चों का जो है जोड़ों का शादी कराई गई है, जिसमें जो है करीब 47 जोड़े जो है हिंदू हैं बाकी मुस्लिम हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा जो है 35,000 रुपये लड़की को नगद खाते के रूप में दिया जाता है और 10,000 का सम्मान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में देर रात बुढ़ाना कस्बे के रामछैल तिराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित इको कार ने दर्जनों राहगीरों को कुचल दिया। आपको बता दें यह हादसा उस वक्त हुआ जब कांधला की ओर से मुजफ्फरनगर जा रही एक अनियंत्रित इको कार बुढ़ाना पुलिस चौकी के सामने अनियंत्रित होकर तिराहे के फुटपाथ पर पैदल चल रहे और बाइक पर बैठे व्यक्तियों को कुचलती हुई गाड़ियों से टकराती हुई चली गई। वहीं इस भीषण दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए और घायल हुए। तो वहीं हादसे की पूरी घटना तिराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने कार सहित कार चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जैसे गाड़ी आई है इको बहुत तेजी से आई, नए मोटरसाइकिल देखी ना कोई गाड़ी देखी, हमारी गाड़ी वो वरना पीछे लगी हुई थी और इसमें आगे टक्कर हो रही है। 2 बच्चे महिलाओं पर चढ़ा दी और मैं मोटरसाइकिल लेकर निकलने लग रहा था, मैं भी पीछे को भागे छोड़ी मोटरसाइकिल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार
और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहां पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहां पर काफी समय की बचत भी मिलती है।